सो गाइस दिस इज डे टू ऑफ आवर एक्सप्लोरेशन. अभी हम लोग हैं आरू वैली में और अभी अभी हमने हमारे लिए हमने बनाई है कॉफी. कॉफी बनाई है. अभी हम बनाने जा रहे हैं कप नूडल्स. कप नूडल्स मेरे चिकन वाला है और भाई ने वेज लिया है. बिल्कुल. तो आरू वैली में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं नेचर के साथ. और ये देखिए आप, यहाँ पे बन रही है हमारी, पानी उबल रहा है कप नूडल्स के लिए. और अभी अभी हमने ये कॉफ़ी बनाई थी जो कि काफ़ी टेस्टी बनी है. और बाहर का व्यू देखिए आप, बिल्कुल एकदम नेचर के बीच में हम लोग. पूरा वैली का व्यू यहाँ से ज़बरदस्त है. मज़ा आ रहा है एकदम. और अभी हमारा प्लान ये है कि हम ये मैगी खाकर और कॉफ़ी वगैरह पीकर सीधा निकलेंगे. कहाँ के लिए निकलेंगे भाई? डाबर के लिए. डाबर डाबर पहले पहुंचना पड़ेगा श्रीनगर. यस, श्रीनगर हमें जाना है. डाबर पड़ता है गुरेज वैली में और हम आज जा रहे हैं गुरेज वैली. बहुत ही खूबसूरत सुंदर वैली है कश्मीर के अंदर. गुरेज वैली लेस एक्सप्लोर्ड है. हम वहाँ पे जा रहे हैं और उस वैली को एक्सप्लोर करेंगे और आप लोगों को भी साथ में लेके जाएंगे और इन्जॉय करेंगे. तो मिलते हैं सीधा. अपने साथ पोटैटो चिप्स भी करेंगे. यस. और अभी हम अपनी वाटर बॉटल फिल कर रहे हैं. क्या खूबसूरत वैली है, आप देखिए पीछे, देखिए आप पूरा हरा भरा. सच में यार कश्मीर बहुत ज़्यादा नेचुरली ब्लेस्ड है, बहुत ही खूबसूरत है. हमारा मन नहीं कर रहा बिल्कुल ही पहलगाम आरू वैली से जाने का, बट अभी हमें आगे निकलना है गुरेज के लिए. पानी कैसा है भाई? चिल. और व्यू देखिए आप चारों तरफ का. अब हम कह रहे हैं आरू वैली को अलविदा और निकल रहे हैं सीधा गुरेज की तरफ. फुल सेट है हमारी बाइक पीछे और अब सीधा निकलते हैं गुरेज. थोड़ा सा लेट हो गए बट देखते हैं. गो गुरेज. टू गुरेज. तो हाय गाइस, धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं गुरेज वैली की तरफ. और अभी हम लोग हैं बांदीपुरा से 10 किलोमीटर पहले. श्रीनगर से जब आप गुरेज वैली की तरफ आएंगे तो बीच में बांदीपुरा पड़ेगा. उसके बाद डावर एक जगह आएगी जहाँ पे हम लोग आज स्टे करेंगे. डावर एक अच्छा खासा टाउन है जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं. और वहाँ पे कुछ फेमस जगह हैं जैसे हब्बा खातून पीक जो कि बहुत फेमस है, उसको देखने के लिए वहाँ पे लोग जाते हैं. हम भी जाएंगे. और कृष्णगंगा रिवर है वहाँ पर, बहुत सुंदर. अभी हम बांदीपुरा से 9 किलोमीटर पहले रुके हैं और रुकने का हमारा रीज़न है ये खूबसूरत व्यू जो मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ. ये खूबसूरत सी लेक, काफ़ी बड़ी लेक है और उसके साथ साथ पूरी ग्रीनरी है. साइड में काफ़ी सारे पेड़ लगे हुए हैं और नीचे कुछ छोटी मोटी बस्ती भी है. और बहुत सुंदर सा नज़ारा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था. और अभी तक की रोड पर अगर मैं आपको अपडेट दूँ तो रोड अभी तक बहुत अच्छी है, साफ़ सुथरी रोड है. थोड़ी सी नैरो रोड है बट बिल्कुल साफ़ सुथरी है. और अभी तक यहाँ आने में हमें कोई भी परेशानी नहीं हुई है. अभी आगे देखते हैं बांदीपुरा से आगे हमें कैसी रोड मिलती है. अभी हमें क्रॉस करना है आगे जाके राजधान पास, जिसके लिए हमें हाइट पे जाना पड़ेगा पहले. उसके बाद हम नीचे गुरेज वैली के लिए उतरेंगे. राजधान पास पे काफ़ी ठंड भी मिलती है और उसकी रोड भी उसके बाद थोड़ी सी ख़राब है गुरेज पहुँचने के लिए. तो अभी आगे देखते हैं और जैसी भी रोड मिलेगी आपको अपडेट करेंगे. देखते हैं आगे क्या होता है. तो अभी अभी हमने बांदीपुरा पीछे क्रॉस किया है. बांदीपुरा से हम 3-4 किलोमीटर आगे आ गए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं गुरेज की डावर की तरफ जो कि यहाँ से 83 किलोमीटर है. 83 किलोमीटर जाने में हमें लगेंगे लगभग 3 घंटे. अभी हम लोग क्रॉस करेंगे राजधान पास
और राजधान पास के लिए यहाँ से इंक्लाइन शुरू हो गया। पूरा हमें इंक्लाइन करते हुए ऊपर तक जाना है और उसके बाद हम गुरेज वैली के लिए नीचे उतरेंगे। तो अभी देखते हैं कैसी रहती है हमारी जर्नी, बने रहिए हमारे साथ, सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। आपको थोड़ी देर बाद, थोड़े इंतज़ार के बाद दिखाएंगे अभी गुरेज वैली और दावर। तो अभी हम रास्ते में हैं, पीछे का आपको नज़ारा दिखाते हुए आ रहे हैं और मेरे सामने मैं आपको दिखाता हूँ बोर्ड है, एक यहाँ पे सब कुछ मेंशन है। हमें जाना है फिलहाल राजधान पास जो कि अभी है 26 किलोमीटर और उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे डावर। डावर यहाँ से है 70 किलोमीटर और आज हम लोग शाम को डावर में स्टे करेंगे। नेक्स्ट कल हम वहाँ से निकलेंगे आगे के लिए, जो हम आपको कल बताएंगे कि हम कहाँ जाने वाले हैं। लास्ट जो गाँव है वो है काबुल की गली, काबुल गली जो कि है यहाँ से इस पॉइंट से 142 किलोमीटर। साहिल सोचा था कभी कश्मीरी गुरेज वैली के इस खूबसूरत रोड पे खड़े होके सुनसान एकदम बियाबान में तो ये चॉकलेट और ये खा रहा होगा, स्नीकर और डार्क फैंटेसी। भाई भूख इतनी लगी है कि सोचने का और समझने का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अच्छा भूख इतनी लगी है, भूख इतनी लगी है, लेकिन हाँ ये सच में सोचा था एक बारी को, ये जरूर सोचा था कि कपिल शर्मा शो में जाएंगे और ये नहीं सोचा था कि गुरेज वैली में खड़े होंगे ये सब खा रहे होंगे। अभी सीन ही है राजधान क्रॉस करना है जल्दी से जल्दी राजधान पास और डावर पहुंचना है, क्योंकि आगे उसने पता किया था थोड़े रोड भी ख़राब है तो वहाँ पे टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। अभी तक की रोड जैसा आप ये देख रहे हैं सारी रोड ऐसी है, सेम नैरो है लेकिन पक्की एकदम बढ़िया रोड है। आगे जैसे कि हमको अपडेट आया था, कुछ मेरे दोस्त हैं वहाँ पे उसने बताया और बाकी अभी कुछ लोग मिले थे उन्होंने भी, कि राजधान पास के बाद थोड़ी रोड ख़राब है तो भी देखते हैं कितनी ख़राब है। अभी हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं राजधान पास और आप मेरे सामने देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ यहाँ पे चल रही है, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है और पूरी वैली ग्रीन बहुत ज़बरदस्त। सामने है राजधान पास ये जहाँ अभी खड़े हैं एंड फाइनली वी आर एट राजधान पास। हमारे पीछे ये पिलर लगा हुआ है राजधान पास का, काफ़ी मशक्क़त करी हमने यहाँ तक, बहुत मज़ा बहुत आया। और अभी राजधान पास से 8-10 किलोमीटर पहले एक चेक पोस्ट थी जहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक हुए और बहुत अच्छे से उन्होंने चेकिंग करी, ट्रीट किया हमें, बहुत अच्छे से समझाया आगे कहाँ कहाँ जाना है और बहुत अच्छा लगा। आगे चलते हैं, अभी पहुँचना है दावर हमें और टाइम हमारे पास कितना बज गया, टाइम हो चुका है 6 बज चुके हैं ऑलमोस्ट 6 बज चुके हैं तो 7-7:30 हमें बच जाएंगे दावर पहुँचने में। अभी निकलते हैं सीधा और पहुँचते हैं दावर। फाइनली आई गई वो रोड जिसका हमें इंतज़ार था, जो हम सुन रहे थे कि ख़राब रोड है, थोड़ी आगे ख़राब रोड है तो वो ये रोड है। अभी तक सारी रोड प्रॉपर थी बट यहाँ पे थोड़ा काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो ये भी आने वाले टाइम में रोड अच्छी बन जाएगी बट अभी थोड़ा कच्ची हालत में है। आने वाले कुछ टाइम में आपको ये रोड भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी क्योंकि BRO यहाँ पे काम कर रही है लगातार सड़क के ऊपर, तो ये आपको बहुत अच्छी और थोड़ी चौड़ी रोड देखने को मिल सकती है। तो अभी हम रुके हैं एक वाटर ब्रेक के लिए और पहाड़ों में ट्रैवल करने का बेस्ट पार्ट यह है कि आपको मिनरल वाटर, पहाड़ों का असली मिनरल वाटर हर जगह मिलता रहेगा, जैसे कि ये भर लीजिए भाई जी बॉटल। आहा भाई लग रहा है तेरे को आज 13 जून है ना, 13 जून और यहाँ पे लग रही है सर्दी अच्छी खासी होगी। जब से हम राजधान पास से आए हैं, राजधान पास पे बहुत ठंडा था और वहाँ से अभी तक ठंडा है और रोड ये है राजधान पास के बाद से कच्ची ही रोड है काफ़ी किलोमीटर की, तो ये देखिए आप
पानी की बॉटल भर के रखी है, और पानी की बॉटल का अंदर का पानी का टेम्परेचर आप देखें अगर, तो ये देखिए 9 डिग्री, इतना ठंडा पानी है, पिया भी नहीं जा रहा था, बहुत ठंडा है, चिल्ड एकदम। और ये यहाँ से कुछ व्यू वैली का, चारों तरफ शांति सुकून। अभी जाना है डावर, डावर यहाँ से 20 किलोमीटर के लगभग बचता है। और फाइनली अभी हम डावर पहुंचने वाले हैं, 2 या 3 किलोमीटर रह गया डावर। और जो हमें जगह दिखी है ना अभी, किशनगंगा नदी पे, जैसा कि आपको अभी मैंने रास्ते में दिखाया, बहुत खूबसूरत एक डैम बना हुआ है। बिल्कुल। और साहिल कैसा लगा देख के? मतलब आप सोच नहीं पाओगे कि इतनी हाइट पे आके आपको इतना सारा पानी और वो भी इतना खूबसूरत व्यू के साथ मिल जाएगा। बिल्कुल, आप कहीं भी चले जाएं लेकिन ये ब्यूटी आपको यहीं दिखेगी। तो अब इंतजार ना करवाते हुए आपको मैं दिखाता हूँ इस किशनगंगा रिवर पे बने हुए डैम का खूबसूरत व्यू। सो फाइनली हम डावर पहुंच चुके हैं, और जो सामने आप मेरे देख रहे हैं ये डावर है। और कितना टाइम हो रहा है साहिल? अभी टाइम हो रहा है भाई 7:58, 7:58 हो रहे हैं। और लाइट देखिए आप, बिल्कुल सही है, और वो है चांद दूर से निकल रहा है। और अभी हमने पता किया नीचे काफ़ी सारे टेंट वगैरह लोगों ने लगाए हैं, वो देखिए पीछे पूरा कैंप साइट। तो हम भी नीचे जा रहे हैं, एक बार ट्राई करते हैं कि अगर हम भी लगा लें यहीं पर तो यहाँ कहीं हम पिच करते हैं अपना टेंट। सो फाइनली डावर है ये, और ये है किशनगंगा रिवर सामने, और अंधेरा हो चुका है इसलिए आपको सही से दिखेगा नहीं। ये हमारी बाइक है, हम नीचे आ गए कैंप साइट के पास, और यहीं पे हम अपना कैंप सेटअप करेंगे। और सामने आप व्यू देखिए एक बार, ज़बरदस्त व्यू है, और नदी बह रही है साइड में, पानी की दिक्कत भी नहीं है, और व्यू भी बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर हम लगाएंगे अपना टेंट और करेंगे मज़े।